मोदी जी, आपको न्यूज़ 18 नेटवर्क को यू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने पनिशिंग शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला। इस इंटरव्यू को हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, कुछ बिग पिक्चर क्वेश्चंस पूछेंगे। शुरुआत में हमारे संग हमारे दो कलीग्स जुड़े हुए हैं, एक महाराष्ट्र के एंकर हैं, दूसरे हमारे कर्नाटका के एडिटर हैं। ये दो स्टेट्स अहम हैं इस चुनाव में, तो हमने सोचा कि थोड़े सवाल वो भी आपसे करेंगे। शुरू करते हैं, पहला सवाल। सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मुझे अच्छा लगा कि आपने अपने साथ कर्नाटका और महाराष्ट्र को भी जोड़ दिया है, तो एक प्रकार से आपने मेरी मदद की है, वरना तीनों को अलग अलग इंटरव्यू देता तो शायद मुझे और ज़्यादा टाइम देना पड़ता। बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका नेटवर्क 18। थैंक यू भैया। पहला सवाल मोदी जी, हम लोग पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, हम लोग साउथ में थे, बिहार गए और भी महाराष्ट्र में भी थे, तो हर जगह ये देखा गया है कि चाहे विपक्ष से बात करें, चाहे आपके उम्मीदवारों से बात करें, लोग कहते हैं कि जब मोदी जी यहाँ आएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। अभी कुछ नहीं कह सकते, मोदी जी आएंगे तो हो सकता है स्वीप हो जाए, हो सकता है सीट निकल जाए। तो क्या 2024 के इस चुनाव को हम नरेंद्र मोदी पर एक रेफरेंडम की तरह देख सकते हैं, जन जनमत संग्रह की तरह देख सकते हैं? अब ये तो सारा खेल मीडिया के लोगों का होता है, किस समय किस प्रकार से एनालिसिस करना, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि मैं कोई चुनाव के समय काम करने वाली सरकार नहीं चलाता हूँ। आप मेरा 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो एवरेज फ्राइडे सैटरडे संडे मैं हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में गया हूँ, जनता के बीच में रहा हूँ, और इसलिए मेरा जाना निरंतर चलता रहता है। और चुनाव में मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र का उत्सव ऐसा है कि सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जाएं, जाकर के एक प्रकार से प्रशिक्षण का काम होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। तो मैं एक राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता के नाते चुनाव या न हो, मैं इसे अपना कर्तव्य मानता हूँ और इसलिए मैं जाता हूँ। जहाँ तक ये दो फेज का सवाल है, मैंने ऐसा जनसमर्थन बहुत कम चुनावों में देखा है जो मैं इस बार देख रहा हूँ। एक प्रकार से चुनाव जनता जनार्दन लड़ रही है, सुशासन के लिए लड़ रही है, अपने सपनों को साकार करने के लिए लड़ रही है। मुझे लगता है शायद मैं तो शायद एक निमित्त हूँ। इस बार मेरा जरा ज़्यादा उत्साह है लोगों के बीच जाने का, और पहले के तुलना में शायद मैं ज़्यादा इस बार जाना भी चाहता हूँ, इसलिए कि जो जनता जनार्दन इतने उमंग और उत्साह के साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ली हो, तो वो जनता जनार्दन को जाकर के उनको प्रणाम करना, नमन करना, उनका आशीर्वाद लेना, ये मुझे अपना कर्तव्य लगता है। और मैं देखता था जो फर्स्ट राउंड हुआ, तो मैंने किसी दोस्तों को कहा था कि पहले राउंड में ये हमारे खिलाफ जो लोग मोर्चा लगा करके बैठने की कोशिश कर रहे हैं, पहले राउंड में वो पस्त हो गए जी। और कल मैंने देखा दूसरे राउंड में ये ध्वस्त हो चुके हैं, यानी पहले लोगों ने पस्त कर दिया, अब ध्वस्त कर दिया। मोदी जी, जब कैंपेन की आपने शुरुआत की थी तो बड़े हाई नोट पे ये कैंपेन की शुरुआत हुई थी। आपने कहा, आपने अपने सरकार के पूरे काम का परिचय दिया, आपने डेवलपमेंट एजेंडा को लेकर आगे बढ़े, इकोनॉमी पर आपने जो है बहुत प्रकाश डाला और इसके ऊपर बहुत काम हुआ भी है। अभी इधर उधर एक दो चरण के बाद आते आते आपने जो है राजस्थान में एक रैली में एक कांग्रेस पर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया। आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है, और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं। क्या ये थ्रेट इतना रियल है? क्या आपको ऐसा दिखता है?
मुझे लगता है कि शायद आपकी टीम ने मेरा पूरा कैंपेन को ट्रैक नहीं किया है, या शायद विकास की बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिसको शायद टीआरपी के हिसाब से बैठता नहीं होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि मेरा पूरा इलेक्शन कैंपेन दो चीजों पर केंद्रित है। एक, हमने समाज कल्याण को लिए, लोक कल्याण के लिए क्या काम किए, और सबसे बड़ा फर्क है और सरकारों में मेरे सरकार में, वो ये है कि लास्ट माइल डिलीवरी ये हमारी विशेषता है। नीतियां तो कोई सरकारें बनाती हैं, कोई सरकार बुरा करने के लिए तो आती नहीं है, अच्छा करना चाहती है, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा करना आता है, कुछ लोग अच्छा होने का इंतजार करते हैं। मैं ऐसा हूं कि मेहनत करके जो अच्छा हो करूं, मेरा हमेशा ऐसा रहा है। अब देखिए, मैं चुनाव में लगातार बोल रहा हूं कि हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए। मैं इतना लोगों को कहता हूं कि आप इस चुनाव प्रचार में जाएं तो मेरी मदद करें कि जिसके घर बनाना भी छूट गया हो, हर गांव में एक तो निकलेंगे, उनकी सूची में ये भेजो ताकि जैसे ही मेरा तीसरा टर्म शुरू होगा मैं इस काम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। 3 करोड़ घर और मैं बनाना चाहता हूँ। अब आयुष्मान भारत योजना, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस एंड हेल्थ एश्योरेंस की स्कीम है ये जी। 55 करोड़ लोगों को इलाज का भरोसा कि भाई अब आपको मोदी है, मोदी की सरकार है, 5 लाख रुपए तक का खर्च होगा, संभाल लेंगे। इस बार हमने मैनिफेस्टो में कहा है कि किसी भी वर्ग का, किसी भी समाज का, किसी भी बैकग्राउंड का व्यक्ति कौन हो, जिस भी परिवार में 70 से ऊपर की आयु के जो भी व्यक्ति होंगे, पुरुष स्त्री सब, उन सबको हम ये 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे। इस बार हमने मैनिफेस्टो में ये भी कहा है कि जो आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उनको हम इसका बेनिफिट देंगे। ट्रांसजेंडर जितने भी हैं, किसी भी आयु के क्यों ना हो, हम उनको ये बेनिफिट देंगे। तो ये बात हम लोगों को बताते हैं। अब आप देखिए जी, हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये जो मिलकर जब्त करने के खेल चल रहे हैं ना जी, पहले कर चुके हैं जी, सारी बैंकें प्राइवेट थी, लूट लिया रातों रात, गरीबों के नाम पर लूटा गया। लेकिन हमारे देश की बैंकें खस्ता हाल हो गई, आधे से अधिक आबादी ऐसी थी कि गरीबों के नाम बैंक तो लिया लेकिन बैंक खाता नहीं खुला। ये मोदी ने आकर के 52 करोड़ बैंक के खाते खोले, और उसका सबसे बड़ा मैंने फायदा उठाया। खाते खोल करके आंकड़ा नहीं किया, मैंने जनधन, आधार और मोबाइल, इस ट्रिनिटी को लेकर के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 36 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा बहुत बड़ा होता है जी, 36 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लोगों के खाते में गए। अगर मैंने बैंक खाते ना खोले होते तो इनका बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन, दुनिया में, पूरी दुनिया में एक साल में जितने अकाउंट खुलते होंगे ना, उससे ज्यादा काम हमारे देश में हुआ है। जल जीवन मिशन, हमारे देश में जी 3-4% घरों में भी घर में नल से जल आता था, वो भी ज्यादातर अर्बन लोकैलिटी में। आज 14 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचा है। अब ये सारे काम है, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर ऐसे ही नहीं आए जी, हमने उनको इतना सशक्त बनाया। और मेरी स्ट्रेटेजी यही है कि हम गरीब को इतनी ताकत दें कि गरीब खुद गरीबी को परास्त करे। और जब गरीब अपने मेहनत से गरीबी को परास्त करता है ना, उसके बाद उसको गरीबी में वापस नहीं जाना, ये संकल्प बन जाता है,
और वो देश की शक्ति बन जाता है। आज हमें फायदा है 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी, दुनिया इसकी तारीफ कर रही है जी। और ये एक मॉडल बनेगा जी, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए मॉडल बनेगा जी। अब देखिए 2014 के पहले क्या हाल था, 2014 के पहले आपके सारे मीडिया वाले निकाल दीजिए, फ्रेजाइल फाइव यही हेडलाइन होता था जी। आज जी हम वाइब्रेंट इकोनॉमी बन गए। IMF ने दुनिया के 150 देशों का समूह, जिसमें चाइना भी है, हिंदुस्तान भी है, जिसको हम कहें कि एक डेवलपिंग कंट्रीज है या जो इमर्जिंग इकोनॉमी वाले देश हैं, ऐसा का एक समूह का उनको क्लासिफाई करके उन्होंने उसका एनालिसिस किया। बड़ा इंटरेस्टिंग आया, यानी एक प्रकार से ये इंडिया का पीयर ग्रुप हम कह सकते हैं। अब देखिए क्या एनालिसिस है, 1998 इंडिया पर कैपिटा GDP इस पीयर ग्रुप से 30% के आसपास थी, यानी पूरा 150 देशों का देश है। उस समय अटल जी की सरकार थी, 98 में अटल जी की सरकार है। 98 से 2004 अटल जी के अपने कार्यकाल में ये 30% को 35% ले गए। अच्छा था, अच्छा प्रोग्रेस हुआ। लेकिन दुर्भाग्य देखिए जी, 2004 में ये सब खिचड़ी कंपनी आ गई और ये खिचड़ी कंपनी ने अटल जी की मेहनत जो थी उस पर पानी फेर दिया, 35% को 30 पर ले आ गए वो लोग। यानी इन सारी कंट्रीज ने भारत से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया और हमने बुरा किया जी। UPA की सरकार में भारत डेवलपिंग वर्ल्ड की अपेक्षा और गरीब हो गया, हमसे गरीब थे वो भी हमसे आगे निकल गए। लेकिन 2014 में हमारे सरकार बनने के बाद 2019 तक में आपको खुशी होगी हम 30% से 37% पे पहुंचा दिया, और 24 तक मैं जब पहुंचा हूं ये मामला 42% पहुंच गया है, यानी 30 छोड़ा था हम 42 ले, और ये हाईएस्ट है जी। यानी हमारी इनकम दुनिया के और देशों की अपेक्षा बहुत तेजी से बढ़ी है। अगर आप 10 साल के कालखंड में इन्फ्लेशन को भी ले, जो महंगाई की इतनी चर्चा करते हैं ना, तो ये 10 साल सबसे कम इन्फ्लेशन वाला काल।